इसराइल और हमास के बीच जारी सैन्य संघर्ष लगातार हिंसक होता जा रहा है। एक ओर जहां सीजफायर के लिए सारी दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं युद्ध का अखाड़ा बन चुके रफा में हमास के लड़ाके पहले से और ज्यादा खूंखार हो गए हैं। हमास को ढेर करने के इरादे से इजरायली बल अपने पूरे लाव लश्कर के साथ गाजा में आए थे, जो अब एक एक करके हमास के लड़ाकों का आसान शिकार बन रहे हैं। आईडीएफ की तरह ही अब उनके खतरनाक हथियार भी हमास के निशाने पर हैं। लड़ाकों की ओर से इजरायली सैन्य साजो सामान पर सीधे वार ने आईडीएफ को गाजा में तगड़ी चोट पहुंचाई है। इसी कड़ी में फिलिस्तीनी प्रतिरोधियों ने अलग अलग मोर्चे पर इजरायली बलों पर जोरदार हमला बोला है। दक्षिणी गाजा के शहरों और खासतौर से रफा के तल अल हवा के पड़ोस में आईडीएफ और हमास के बीच भीषण टकराव देखने को मिला। हमास की मिलिट्री विंग अलकासिम ब्रिगेड ने अलियासीन 105 आरपीजी से इसराइल के दो मेरकावा टैंकों को निशाना बनाते हुए सेकंडों में उन्हें आग के गोले में तब्दील कर दिया। समूह ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें देखा जा सकता है कि घात लगाए लड़ाकों ने इसराइली टैंकों पर एक ही झटके में सटीक निशाना लगाते हुए उन्हें तबाह कर दिया। अलकासिम ने बताया कि लड़ाकों ने थर्मोबैरिक आरपीजी के साथ आईडीएफ की पैदल सेना को निशाना बनाया है। इस दौरान कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। वीडियो में देखा गया कि एक लड़ाका टैंक को उड़ाने के लिए आईईडी फिट करके वहां से भाग निकलता है और इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और इजरायली टैंक के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसके अलावा ब्रिगेड ने दावा किया कि उन्होंने नेटजरी मैक्सिस में तैनात आईडीएफ पर भारी कैलिबर मोर्टर गोले दागे हैं। साथ ही आईडीएफ के सैनिकों के साथ सीधा टकराव हुआ है, जो वहां एक इमारत में छिपे हुए थे। माना जा रहा है कि समूह की ओर से लगातार वीडियो जारी करने से इजरायल पर युद्ध के बाहर भी दबाव बनाने की पूरी कोशिश जारी है। वहीं पीआईजे की मिलिट्री विंग अल कुद्स ब्रिगेड ने बताया कि उसके लड़ाकों ने 107 एमएम के रॉकेटों के साथ फजा मिलिट्री साइट पर गोलाबारी की है। ब्रिगेड ने रॉकेट बैराज के साथ अशदो, एशकलॉन और जिरोत बस्तियों के साथ साथ होलेट, येडेट और अफशालोम में भी बमबारी की है। इससे जुड़ा एक वीडियो जारी कर अल कुद्स ने अपने दावे की पुष्टि भी की, जिसमें देखा जा सकता है कि लड़ाकों ने वीरान जगह पर इजरायली बलों के कब्जे वाले इलाकों पर हवाई हमला किया। इसी तरह अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने कई हसब 111 रॉकेट से इजरायली बलों के ठिकानों पर अचानक से भीषण हमला किया। समूह ने अपने लड़ाकों की ओर से दागे गए खतरनाक रॉकेटों का फुटेज जारी किया है। इस बीच शहीद उमर अल कासिम बलों ने भी गाजा के पश्चिम में तल अल हवा के पड़ोस के अल कतीबा इलाके में इजरायली सैनिकों और वाहनों पर भारी मोर्टार गोले दागे हैं। इस समूह की ओर से दावा तो ये भी किया जा रहा है कि भीषण गोलीबारी में कई इजरायली जवानों ने जान गंवाई है। वहीं अलक्सा शहीद ब्रिगेड भी गाजा के पश्चिम में इजरायली बलों पर कहर बनकर टूटी। उन्होंने अपने घातक हथियारों से आईडीएफ और उसके सैन्य वाहनों को निशाना बनाया। बताया गया कि ब्रिगेड ने गाजा के पश्चिम में तल अल हवा के पड़ोस में यूनिट के बीच हताहतों की पुष्टि करते हुए एक घर के अंदर छिपी आईडीएफ की यूनिट को गोलों से निशाना बनाया। रफा में भी ब्रिगेड ने शहर के पूर्व में मोर्टार के गोलों से इजरायली वाहनों पर हमला करने में कामयाबी हासिल की। लड़ाकों की ओर से जारी फुटेज में तबाह हो चुके एक इजरायली स्काईलार्क ड्रोन को भी दिखाया गया। दावा है कि इसे खुफिया मिशन को अंजाम देने के दौरान उत्तरी गाजा में मार गिराया गया था। गाजा के भीतर से आ रहे हमास के हैरत अंगेज वीडियोज ने जाहिर तौर पर इजरायली बलों पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की है। राफा में इजरायली सैन्य वाहनों को इतने पास से उड़ाते हुए वीडियोस देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि नेतन्याहू हमास को नेस्तोनाबूद करने के अपने प्रण को पूरा करने के कहीं आसपास भी दिखाई देते हैं।